इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको सबसे पहले ध्यान करने कि आपने प्रोडक्ट्स क्या मैन्युफैक्चर करने हैं। जैसे अगर आपने कंपोस्टेबल कैरी बैग्स करने हैं तो उसके लिए डिफरेंट इंडस्ट्री है, टोटल डिफरेंट मशीन का सेटअप रहेगा। अगर आपने कंपोस्टेबल कप्स प्लेट्स या कटलरी का करना है तो उसके लिए टोटली डिफरेंट मशीनरी रहती है। और ये आने वाले टाइम में बहुत ही ग्रोइंग एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रहेगा। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बताएगा कि कैसे आप कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। कंपोस्टेबल बैग्स प्लास्टिक बैग्स का इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है, जो प्लांट बेस्ड मटेरियल्स जैसे कॉर्न स्टार्च, पोटैटो स्टार्च या दूसरे नेचुरल फाइबर से बने होते हैं। कंपोस्टेबल बैग्स कंपोस्टिंग एनवायरनमेंट्स में इजीली डीकम्पोज होकर नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाते हैं। ये बैग्स प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कंपोस्टेबल बैग्स पैकेजिंग, शॉपिंग, वेस्ट डिस्पोजल और एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से इस्तेमाल होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स को प्रमोट कर रही है, जो कंपोस्टेबल बैग्स इंडस्ट्री के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। कंपोस्टेबल बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि हम लोग का रॉ मटेरियल जो बेसिक ग्रैनुल रहते हैं PBAT एंड PLA, उसका हमारा सोर्स क्या है, कौन सी कंपनी का हम लोग वो मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं। एक बार आप किसी भी कंपनी का मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, आप कोशिश करिए आप उसी कंपनी का मटेरियल थोड़ा सा आप यूज़ करते रहिए, ताकि आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मिले अपनी क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हमारे पास इंस्पेक्शंस होती हैं, जो भी हम लोग PBAT या PLA का ब्रांड हम सेलेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं वो चेंज ना करें उसका, ताकि हमारी कंसिस्टेंसी रहे क्वालिटी की। इसके बाद जो ग्रैनुल रहता है उसका एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू ग्रैनुल से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं रोल फॉर्म के अंदर। रोल्स के बाद हम लोग इसको प्रिंटिंग मशीन्स में यूज़ करते हैं रोल्स को, जहाँ पे प्रिंटिंग होती है अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग कंपनीज की हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, OEM बेसिस पे भी हम काम करते हैं। उसके बाद इस प्रोडक्ट का कटिंग, सीलिंग और पैकेजिंग ये रहता है। लास्ट में दोबारा इंस्पेक्शंस रहता है रेडी मटेरियल का, जैसे थिकनेस माइक्रोन की चेकिंग होती है, प्रिंटिंग की चेकिंग होती है। उसके बाद ये मटेरियल हम लोग पैक करके शिप करते हैं किसी भी क्लाइंट के पास। कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स हैं स्टार्च ग्रैनुल्स, प्रिंटिंग इंक एंड एडिटिव्स एक्सेट्रा। कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूज होने वाली मशीन्स एंड इक्विपमेंट है एक्सट्रूजन मशीन, कटिंग एंड सीलिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, अदर इक्विपमेंट एंड मिसलेनियस एसेट्स। कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगभग 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड मैन पावर में 5 से 8 लोगों की जरूरत होती है। कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को रन करने के लिए आपको 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इनिशियल लेवल पर लगभग 18 से 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। रही बात प्रॉफिट की, तो इस बिजनेस से आप 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल पर शुरू करने के लिए जो जरूरी जानकारी चाहिए वो वीडियो के अंत में प्रोजेक्ट कॉस्ट के जरिए आपको मिल जाएगी। कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंसेस और सरकारी परमिशन की भी जरूरत होती है, जो कुछ इस प्रकार है: GST रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस, NOC फायर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने आपको बताया कि कैसे आप कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसे शुरू करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप भी कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो IID से संपर्क करें और अपने मनचाहे बिजनेस मॉडल की जानकारी के लिए हमें कमेंट में बताएं। IID के हेल्पलाइन नंबर है 7408733333।
760-76555, जहां आपको बिजनेस की जानकारी के साथ साथ बिजनेस शुरू करने में भी सपोर्ट दिया जाएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।